हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे असाइनमेंट नंबर 7 प्रभा वर्कबुक इंग्लिश क्लास 7। इससे पहले कि वर्कशीट असाइनमेंट आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर लिखना है। सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। सौर्य साइलेंटली वेंट टू हिज नेबर। सौर्य जो है चुपचाप अपने पड़ोसियों के घर गया। ही टोल्ड दैम दैट, उसने उनको बताया दैट देयर वॉज अ थीफ, यहाँ पर कोई चोर था। मैनी पीपल गैदर्ड देयर, बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। दे थॉट दैट दे वुड कैच द थीफ, उन्होंने सोचा कि वो चोर को पकड़ लें एंड टेक हिम टू द प्लेस ऑफ ए पुलिस स्टेशन, उसको दे दें। दे डिसाइडेड टू ओपन द डोर, इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो अब सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन हमें, हु वेंट टू नेबर्स, सौर्य। नेबर पड़ोसियों के घर कौन गया, सौर्य। नेक्स्ट, होम वुड दे कैच, किसने उनको पकड़ना चाहा, नेबर्स। नेक्स्ट, राइट द अपोजिट वुड ऑफ वर्ड ऑफ क्लोज फ्रॉम द पैराग्राफ। पैराग्राफ में से क्लोज का हम अपोजिट बताना है, ओपन। ये देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है पैराग्राफ का वो क्लोज का अपोजिट, ओपन। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द विल शैल। आई के साथ शैल, वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल। सचिन विल गिव अ स्पीच ऑन द टीचर्स डे। ही विल स्टार्ट अ बिजनेस नेक्स्ट मंथ। आई शैल रीड अ नोवल टुमारो। You will meet me next week. We shall play cricket tomorrow. Okay? तो इसमें हमने क्या किया है, I और V के साथ shall का यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में, इसलिए हमने इसमें shall का यूज़ किया, बाकी सभी के साथ will. Next question, rearrange the following word in a proper order to make a meaningful sentence. तो हमें एक meaningful sentence बनाना है। वर्ड हमें दिए हुए हैं स्पेंड नेक्स्ट वेकेशन रोहन विल हिज मदर, तो इसको हम लिखेंगे रोहन विल स्पेंड नेक्स्ट वेकेशन विद हिज मदर। ओके, नेक्स्ट, कम टुमारो दे हियर विल, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे दे विल कम हियर टुमारो। दे क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, विल हो गई हमारी वर्ब, और कम हियर हमारा प्रेडिकेट और टुमारो ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपका असाइनमेंट नंबर 7 कंप्लीट होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।